गंदी लाद क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ओए अब्बा, मकान और जमीन मेरे नाम लगवा दे, वरना मैं तुझे ऐसे ही जलील करता रहूंगा। ये अब्बे के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अब्बा, ये तेरा हाल किसने किया है? चलो ऊपर बैठो पहले। अब्बा, कौन सा ऐसा मसला बन गया है? मसला कौन सा बना? तुम्हारा बड़ा भाई, वो मकान के चक्कर में मुझे बेटा जलील कर रहा है। ओ बड़े भाई, क्यों अब्बा को जलील करते रहते हो? तुझे पता नहीं अब्बा की तबीयत वैसे भी खराब रहती है। अब जल्दी करो और डॉक्टर को बुलाओ। अब मैं डॉक्टर को नहीं, वकील को बुलाऊंगा। जब तक ये अब्बा मेरे नाम बेकरी और मकान नहीं करता, मैं इसे ऐसे ही जलील करता रहूंगा। अब्बा, ओ अब्बा, चल उठ, मकान मेरे नाम करवा। ओ रुक जाओ, उठ, रुको। ओ भाई रुक जाओ, रुक जाओ, पहले अब्बा को दवाई लेके देते हैं, फिर बैठ के इस मसले को भी हल कर लेते हैं। नहीं नहीं, अब डॉक्टर नहीं, वकील ही आएगा। और रुक जाओ, रुक जाओ, पहले मुझे दवाई लेके दो, फिर मकान तुम्हारे नाम कराऊंगा। अब्बा, ये बात सच है? हाँ हाँ, ये बात सच है। शुक्र है अब्बा मान गए। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आए, मेरे अब्बा हजूर बीमार हैं। आप टेंशन ना ले, आपके अब्बा को अभी ठीक करता हूँ। अब्बा, अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो। किधरा मेरी जमीन, किधरा मेरा मकान? ये लो बेटा खत, पुराने मकान पे चल जाना, वहां मेरे दो दोस्त मिलेंगे, वो आपको जमीन के कागजात दे देंगे। शुक्र है अब्बा से जमीन के कागज निकलवा लिए, अब मुझे अब्बा की कोई जरूरत नहीं है। अब्बा, ये तूने क्या किया है? सारी जमीन और मकान उसके नाम कर दिए, अब मेरा क्या बनेगा? बेटा तुम थोड़ा सा सब्र करो, देखो उसके साथ क्या होता है। उम्र सारी। अब्बा ने यही एड्रेस बताया था। आज के बाद अब्बा से पंगा नहीं लेना। अब्बा तो बहुत बड़ी फिल्म है।